गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी। दुबरेटी भाई ने क्या मोदी को ऊपर क्या रोस्ट बनाया भाई साहब, क्या रिएक्शन वीडियो बनाया, बिल्कुल एविडेंस लेके बोलते हैं दुबरोटी भाई ने। चलिए देखते हैं साइट में। गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था, कोई नहीं जानता। मैं आपको ना बोले पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। अरे क्या मजाक लगा रखा है, 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था, महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है, रविवार को छुट्टी होती है, होलीडे, तो ईसाई समाज होलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई, अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ। साहब मेरे ख्याल से लगता है मोदी जी जैसा पागल लोग इस दुनिया में और कोई नहीं है। इतना बड़ा पागल है भाई, इस भाई ने मोदी जी का इतना घंटा बजा दिया भाई साहब, घंटा बजा दिया, क्या कहूँ भाई। इतना एविडेंस लेके भाई साहब बात करता है ना, मजा आ जाता है। नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो। इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोच कर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में, बताओ जरा मुझे। भाई के पास कितना एविडेंस है, चलिए देखते है कितना स्कैम किया इन लोगों ने, कितना पैसा मारा जनगण का, चलिए देखते। बातों में विश्वास कर लेंगे। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप, अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप, अब बीजेपी में है। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप, अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप, अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप, अब बीजेपी के साथ है। सुविंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिटफंड स्कैम का आरोप, अब बीजेपी में। ओए छोटे भास्कर यार, पापा की करो, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे खुद। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है, और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे पॉलिटिशियंस जिनके खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल मिला है ना कोई करप्शन साबित हो पाया है। तो ध्रुवोटी का भाई का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। किस टाइप का रिएक्शन वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके मेरे को बोलिए। तो फेसबुक से है तो फॉलो करो, मेरा फॉलोअर्स नहीं, एक बंदा मेरे को फॉलो अभी तक नहीं किया भाई, छोटा भाई समझ के एक फॉलो करो।